नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अनार खाने के फायदे बताने के साथ ही साथ किसी विशेष स्थिति में अनार से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से सीमित मात्रा में अनार का सेवन करते हैं तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम हो जाता है। जैसा कि आजकल आप देखते ही होंगे कि हम सभी लोगों पर काम के चलते या फिर किसी वजह से भी तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अगर आप अपने तनाव या फिर स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं तो आप अनार का जूस या फिर अनार का सेवन जरूर करें, इससे आपको फायदा होगा। इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक अनार के जूस का सेवन करते हैं तो आप अपने आप को दिल से जुड़ी बीमारियों से भी बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने आप को एनीमिया जैसी बीमारी से बचाना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से अनार का सेवन जरूर करें, क्योंकि इसके सेवन से आपके शरीर में आयरन की कमी दूर होती है। यह आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने का काम करता है, साथ ही साथ यह आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए भी कारगर होता है। इसके अलावा अगर आपको भूलने की बीमारी है या फिर आपका दिमाग तेज नहीं है तो भी आप अनार का सेवन जरूर करें, इससे आपको फायदे होंगे। दोस्तों, अनार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स और शुगर पाए जाते हैं। ऐसे में अगर आप सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले या फिर नाश्ता करते वक्त अनार का सेवन करते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है और यह आपके पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। दोस्तों, अगर आप अपने पेट की सेहत को भी सुधारना चाहते हैं और अपने आप को पेट खराब होने की समस्या से बचाना चाहते हैं तो भी आप अनार का सेवन जरूर करें, इससे आपको लाभ होगा। दोस्तों, अगर आप डायबिटीज़ को नियंत्रित करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अनार काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व और शुगर आपके खून में शुगर के लेवल को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम है और आप बार बार बीमारियों के घेरे में आ जाते हैं तो आपको अनार का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं जो कि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने का काम करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने त्वचा पर बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो भी अनार आपके लिए लाभदायक हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके बाल खून की कमी से झड़ते हैं तो भी आप अनार का सेवन जरूर करें। दोस्तों, यह तो रहे अनार के कुछ फायदे, तो चलिए आप जान लेते हैं अनार से हमें कौन कौन से नुकसान होते हैं। दोस्तों, अनार आपके हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन अगर आप लो ब्लड प्रेशर से परेशान हैं और डॉक्टर के अनुसार आप दवाइयों का सेवन भी कर रहे हैं तो अनार आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा बहुत से लोगों को एलर्जी की समस्या होती है, तो अगर आप अनार का सेवन करना भी चाहते हैं तो आप एक बार ज़रूर डॉक्टर से सलाह ले लें, इसके बाद ही अनार का सेवन करने के बारे में सोचें, क्योंकि अगर आप बिना डॉक्टर के परामर्श से ही अनार का सेवन करते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको खांसी की शिकायत है तो भी आपको अनार का सेवन नहीं करना चाहिए, यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको कभी भी रात में अनार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनार में पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाया जाता है, ऐसे में इसे रात के वक्त पचा पाना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, यह रही एक और स्वास्थ्य की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।